नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। मामला पसान थाने का है। यहाँ जिले के पसान थाने में इन दिनों उप निरीक्षक प्रहलाद राठौर को बतौर थाना इंचार्ज के रूप में पदस्थ किया गया है, जहाँ उनके थाना पसान का चार्ज लेने के साथ ही थाना अंतर्गत अनेक अवैध समाज विरोधी कार्यों का संचालन बेखौफ प्रारंभ हो गया और अवैध महुआ, शराब, गांजा, जुआ, कबाड़ सहित अन्य अनैतिक कार्य सिर चढ़कर बोलने लगे हैं। बीते दिनों क्षेत्र के एक दैनिक अखबार के पत्रकार रितेश गुप्ता ने अवैध रेत परिवहन होने से संबंधित समाचार अपने अखबार के माध्यम से प्रकाशित किया था, जिस खबर को लेकर थाना प्रभारी श्री राठौर ऐसे बौखलाए कि उन्होंने उक्त पत्रकार को झूठे मामले में फंसाने की ठान ली और शाम दाम की नीति अपना भया दोहन का एक अपराध अपने थाने के रोजाना मर्चे में दर्ज कर डाला। लेकिन साहब को बौखलाहट में ये याद नहीं रहा कि शासन के निर्देशानुसार किसी पत्रकार के खिलाफ यदि कोई शिकायत मिलता है तो प्रथम उस मामले में निष्पक्ष जांच किया जाना आवश्यक है, जिसके बाद अपराध दर्ज किया जा रहा है। लेकिन शायद पसान थाना प्रभारी उप निरीक्षक साहब अपने आप को राज्य शासन से ऊपर समझते हैं, इसीलिए अपने मन की मनमानी कर डाली। अनेकों दो नंबरी कार्यों के संचालन की गतिविधियां पसान थाना अंतर्गत बेखौफ चल रहा है, जिस अवैध मामले को खबर के माध्यम से उजागर किया जाना स्थानीय पत्रकार को भारी पड़ा। बता दें कि SI प्रहलाद राठौर अपनी मनमानी कार्यशैली एवं अवैध कार्यों के संचालन को लेकर पसान थाना क्षेत्र में काफी चर्चित है। ग्रामीण पसान पत्रकार रितेश गुप्ता पर थाना प्रभारी प्रहलाद राठौर द्वारा किए गए सुनियोजित भया दोहन जैसे अपराध दर्ज को लेकर सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ ने थाना प्रभारी के इस कृत्य को लेकर निंदा की है। साथ ही संघ के प्रदेशाध्यक्ष RD गुप्ता ने कहा कि ये वर्दी की आड़ में ओझी मानसिकता का परिचायक है तथा पत्रकार के ऊपर बिना किसी जांच कार्यवाही के सीधे तौर पर अपराध दर्ज किया जाना सोची समझी कार्यवाही एवं वर्दी के रौब और सीधे तौर पर इशारा करता है। इस तरह की कार्रवाई उनके मनोबल को तोड़ने जैसा कार्य करता है, जो अनुचित है। श्री गुप्ता ने कहा इस मामले में पीड़ित पत्रकार का पक्ष लेकर कोरबा SP से भेंट किया जाएगा तथा संघ पत्रकार हित को लेकर सदा उनके साथ खड़ा है व समय आने पर पत्रकार हित के लिए संघर्ष भी करेगा। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया, सूरतपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।